चौधरी की बढ़त हालांकि कम हुई है, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष यहां पर जो है ये कहा जा रहा था कि अभिषेक चौधरी कमजोर प्रत्याशी से आ गए, जो पहले और बड़ा फासला था। केकड़ी की अपडेट आपको देते हैं, कांग्रेस के रघु शर्मा पीछे हो गए हैं जो कि पहले आगे चल रहे थे। केकड़ी से बीजेपी के शत्रुघ्न गौतम आगे हैं, और चूंकि केकड़ी मैंने पहले भी जिक्र किया था अलग जिला बनाया गया था, और इसको लेकर रघु शर्मा को श्रेय दिया जा रहा था कि उन्होंने केकड़ी को अलग से जिला बनवा दिया, लेकिन फिलहाल देखिए वो पीछे आ रहे हैं। आप लगातार ओपीएस और बाकी चीजों का जिक्र कर रहे थे, ये 33 से लेकर 50 जिले हो गए, उसका भी असर दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर कि जिलों की सौगात दी गई है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। रविंद्र जी अभी पीछे मैं राजस्थान गया था तो लोगों ने मतलब इन जिले वाले मामले को कितना मखोल में बना रखा वो बता रहा हूं मैं आपको, लोगों की राय। मैं पीछे राजस्थान गया था, कुछ लोगों ने मेरे को हंस करके कहा, करा भाई साहब आप अपने गांव को जिला बनवाने के लिए आए हैं क्या? यानी कि कहने का तात्पर्य है लोगों ने कहा कि एक टेंट लेकर के आ जाइए और जिला बनवा लीजिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपने जिले तो बना दिए लेकिन वो जिले चल कहां से रहे हैं, टेंटों से या धर्मशालाओं से जिले चल रहे हैं? अरे कम से कम कोई भी चीज करने से पहले उसके बारे में विचार गहनता से विचार किया जाता, धरातल पे दिखना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि आज राजस्थान की जनता ने यह चीज तय कर दिया कि 4 साल की सरकार को, 1 साल की सरकार को स्वीकार नहीं करते, वो केवल 5 साल की सरकार को स्वीकार। एक बार फिर से रोशन का रुख कर लेते हैं, कालीचरण सराफ उनके साथ लगातार बने हुए थे। रोशन अभी क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल, मैं हवामहल सीट को लेकर अपडेट देने की कोशिश करूंगा। 6 राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो गई है हवामहल सीट से। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आरआर तिवाड़ी, वो 16,095 वोटों से आगे चल रहे हैं। 7वें राउंड की गिनती यहां पर जारी है। इसी के साथ साथ में कोटपुतली अगर सीट की बात की जाए तो 5वें राउंड के अंदर हंसराज जो पटेल है उन्होंने बढ़त बनाई है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वर्तमान में मंत्री हैं राजेंद्र यादव, वो हमारे साथ मौजूद है। राजेंद्र जी क्या कुछ कहेंगे? पहले राजेंद्र यादव ने बढ़त बनाई लेकिन अब जो हंसराज, जो अभी पोलिंग खुलने दो, आगे आने वाले टाइम में 10,000 से ज्यादा से लीड ले, कितने आश्वस्त हैं आप? मैं तो 100% आश्वस्त, टेंशन मत करो। बिल्कुल, कांग्रेस की बात की जाए क्या कुछ स्थिति है? कांग्रेस की ओवरऑल स्थिति ठीक है, अभी पहले रुझान आए, अभी रुझान आने दो, कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। तो देखिए रविंद्र, ये हमारे साथ थे राजेंद्र यादव। मैं बताने की कोशिश करूंगा, अगर कोटपुतली सीट की बात की जाए तो अब तक जो कोटपुतली सीट के ऊपर जो इससे पहले और दूसरे राउंड के अंदर राजेंद्र यादव आगे चल रहे थे, उसके बाद में हंसराज जो पटेल है उन्होंने बढ़त बनाई है। रविंद्र ठीक है, रोशन आपका फिलहाल शुक्रिया, आगे अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। लेकिन एक बार फिर हम अलका गुर्जर जी का रुख करते हैं। अलका जी, हालांकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अलग होते हैं, लेकिन चूंकि ये जो चुनाव होते हैं राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ से, लोकसभा चुनावों से 3-4 महीने पहले ही होते हैं। अगर 2004 से हम स्थिति देखें, 2003 में दिसंबर में चुनाव हुए थे विधानसभा के, उसके बाद हुए थे, तो सत्ता का सेमीफाइनल इनको कहा जाता है। और अभी जो रुझान आ रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हिंदी बेल्ट का जैसा जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आपको नजर आ रहा है 2024 के संदर्भ में? कि 2024 में तो और बम्पर जीत हम यहाँ हासिल करेंगे हिंदी बेल्ट में। और जैसे बहुत अच्छी बात पुदर्ज साहब ने अभी कही कि ये दर्शाता है कि जनता ने परिवारवाद और जो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टीज हैं इनको पूरी तौर से नकार दिया है। ये फ्री बीज का लालच देकर जो ये जनता को भरमाने का प्रयास करते हैं, और जो 4.5 साल काम नहीं करके लास्ट के 6 मंथ्स में घोषणावीर जो बनते हैं उनको पूरी तौर से जनता नकार चुकी है। और ये लोकतंत्र के लिए भी शुभ है और राजस्थान के लिए और उत्तर भारत के लिए भी शुभ है। निश्चित रूप से 2024 में तो हम और बम्पर जीत लेकर आएंगे। लेकिन अलका जी, जो हवा महल के अभी रुझान आ रहे हैं वो मुफीद नहीं कहे जा सकते हैं बीजेपी के लिए। बाल मुकुंद आचार्य को भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर उतारा था, कुछ बदलाव किया उस सीट पर, लेकिन उसके बावजूद यहां पर जो रुझान है वो बीजेपी के पक्ष में तो नहीं दिख रहे हैं अभी तक। देखिए कुछ सीटों में इस तरह का हुआ है, वो समीक्षा का विषय है जी। लेकिन ओवरऑल हम मेजोरिटी लेकर आ रहे हैं और राजस्थान में हम सुशासन की सरकार लेकर। अच्छा निरंजन जी, एक टिप्पणी ये है कि 10:30 बजे का के बाद में जो रुझान जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए 12:30 बजे का वक्त, और क्या हम इस ट्रेंड को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं या फिर इसमें बदलाव अभी हो सकते हैं? आपका अनुभव क्या कह रहा है? मेरा अनुभव ये बात कह रहा है हेमंत जी, जिस तरीके से हमने पिछले 15-10 वर्षों के अंदर जो राजनीति का पैटर्न देखा है उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा मोड़ा 19-20 का कुछ परिवर्तन हो सकता है। बाकी आप ये सोचें कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन इसके अंदर आ जाएगा वो बिल्कुल संभव नहीं। 10:30 ही बज रहे हैं।
नहीं, 10:30 तो बज रहे हैं, लेकिन जो शुरुआती जो ट्रेंड होता है वो देखिए ऐसा है। मैं आपको एक सवाल मैं जरूर करता आपसे, लेकिन चूंकि इस वक्त एक जानकारी के जरिए अपने दर्शकों को सीधा राजस्थान विधानसभा के बाहर लेकर चलते हैं, जहां पर एक भव्य सेट न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से लगाया गया है और कई मेहमान इस वक्त वहां से भी जुड़े हुए हैं। मेरी सहयोगी प्रियंका जुड़ रही है हमारे साथ। प्रियंका, अब ये तस्वीर धीरे धीरे रुझानों के जरिए साफ हो रही है राजस्थान की? बिल्कुल रविंद्र, तस्वीरें धीरे धीरे साफ होती चली जा रही है। विधानसभा के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। कुछ समय पहले यहाँ पर कोहरा छाया हुआ था, लेकिन जैसे जैसे कोहरा हटता चला जा रहा है, राजस्थान में सरकार किसकी बनने वाली ये तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आ रही है। चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय करा देते हैं। अवधेश अकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ सुरेश गर्ग जी भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त योगेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत अवधेश जी आप ही से करते हुए, क्योंकि ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है, बीजेपी की सरकार फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, किन मुद्दों पर लोगों ने वोट डाले होंगे? बिल्कुल, देखिए जो अभी तक की ट्रेंड है उसमें बीजेपी ने काफी ठीक ठाक बढ़त बना ली है, लेकिन कांग्रेस भी अभी उतनी पिछड़ी नहीं है जितना माना जाता, जो पिछले विधानसभा के चुनाव रहे जब कांग्रेस सत्ता में रही है तो वो एकदम बहुत ज्यादा पिछड़ जाती है। इस बार कांग्रेस ने मुकाबला अच्छा किया है, और ये भी संभव है कि थोड़ा और टैली में सुधार होता है तो कड़ा संघर्ष भी देखने को मिले, लेकिन अभी तक के जो ट्रेंड है, हालांकि जो ट्रेंड सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, 12 बजे तक थोड़ा सेटल होगा, अभी तक के ट्रेंड में बीजेपी स्पष्ट रूप से आसानी से सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब तक के रुझान यही कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सुमित जी अभी भी वही बात कहेंगे, रिवाज बदल डालेंगे? बिल्कुल, अभी मैं आपको पिछले हिमाचल प्रदेश चुनावों का याद दिला देता हूं कि 11 से 12 बजे तक बीजेपी का जो शिमला में मुख्यालय है वहां पे पटाखे चला रहे थे बीजेपी के कार्यकर्ता, ट्रेंड बदला, कांग्रेस ने सरकार बनाई। 12 बजे बाद इस प्रदेश में भी, इस विधानसभा में भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री जल्दी से जल्दी शपथ लेने आएगा, और इसमें कोई दोराय नहीं है कि हमारी जो नीतियां थी, जनहितकारी नीतियां, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, और जनता हमें वोट देने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए निकली है, और हम स्पष्ट बहुमत की सरकार, तो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, ये अभी भी दावा है कांग्रेस का। सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस तो अभी भी दावा कर रही है, लेकिन बीजेपी कार्यालय में ढोल नगाड़े बजने लग गए हैं। प्रियंका जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। मैं बता रहा हूं कि 125 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। पिछले 5 साल से जो राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, पावर सेक्टर के अंदर आपने देखा होगा किस तरह से रिटायर्ड अफसरों को पैसे लेकर रिटायर्ड अफसरों को लगाया, और किस तरह से भ्रष्टाचार पावर सेक्टर में किया। पावर सेक्टर में इस तरह से बिजली की दरें 5.5 रुपए से 11.90 रुपए बढ़ाई है, ये रिटायर भ्रष्टाचार का मुद्दा काम कर रहा है क्या, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि ध्रुवीकरण की कोशिश की गई? राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा और 70 लाख युवाओं के साथ इन्होंने जो ठगी की है, वो सब जनता युवा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे रहे हैं। जिस तरह से भ्रष्टाचार राजस्थान में 5 साल तक चरम सीमा में बजा, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पिछले 9 साल से जो पूरे राष्ट्र के लिए जो नीति चल रही है, 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, तो वो उन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर पूर्ण बहुमत से आ रही है। तो अभी भी दावा, जैसा कि आप रविंद्र सुन रहे होंगे, दोनों ही पार्टियों की ओर से किया जा रहा है कि सरकार तो हमारी बन रही है। खैर, कुछ ही समय में तस्वीरें भी साफ होंगी और पता चलेगा कि किसके सर सजेगा जीत का ताज। योगेंद्र जी, देखिए, दोनों दलों में से किसी की भी जीत हो, सरकार कोई भी बनाए, हम रिक्वेस्ट सिर्फ इतना ही करेंगे, पहले बधाई देंगे दोनों में से जो जीतेगा उसको, और रिक्वेस्ट इतना करेंगे कि जो चुनाव घोषणा पत्र है उसको 24 घंटे अपने हाथ में रखें, फिर जनता की तरफ देखें और देख करके सुनिश्चित करें कि अगले 5 साल तक उस चुनावी घोषणा पत्र का एक एक वादा पूरा होना चाहिए। और अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो मैं आपको यहां पर वादा करके जा रहा हूं कि यह हमारा वादा है कि हम वादे को पूरा करने के लिए सड़क पर उतरेंगे, मजबूर करेंगे और जनता के आवाज बनकर बड़ी आवाज यहां पर निकलेंगे, और अगले जब चुनाव आएंगे तब आपको मालूम चलेगा कि आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी आवाज राजस्थान की बनकर उभर रही है। तो योगेंद्र जी का कहना है कि इस बार तो भले ही हम सरकार में नहीं आ पा रहे, लेकिन विपक्ष की भूमिका जरूर पूरी तरीके से निभाएंगे और सड़कों पर भी उतरेंगे और याद दिलाएंगे सरकार को कि याद करिए कौन से वादे लेकर
आप सत्ता में आए हैं, तो लगातार नतीजे आपको दिखा रहे हैं, रुझान दिखा रहे हैं। महासंग्राम 2023 को लेकर मेगा कवरेज सबसे पहले सबसे तेज। रविंद्र, और याद तो दिलाने की बात वो भी है जब एक वक्त था जब आरएलपी के हनुमान बेनीवाल कहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर तीसरा विकल्प हम यहाँ पर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी कुछ अतापता यहाँ बड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। रविंद्र, हम बता दें दर्शकों को, डीडवाना से निर्दलीय और भारतीय जनता